अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की खिदमत में। आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है जो मैंने इससे पहले बनाई थी, जो टॉपिक था कि एक सर्फ को आप 3 दफ़ा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज फिर जो है मैं वो वीडियो लेकर आई हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि आप 1 दफ़ा सर्फ को 3 दफ़ा आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कपड़ों की बकेट को 3 पार्ट में ट्रांसफर करूंगी। इसमें सबसे पहले मैं व्हाइट कपड़े धोऊंगी। व्हाइट कपड़ों के बाद जो सेकंड घान होगा वो मेरा बेडशीट का होगा, बेडशीट पिलोज़ वगैरह, और जो थर्ड होगा वो मेरे कलर्ड कपड़ों का होगा। तो ये मेरे पास छोटी बकेट्स हैं, इसमें मैं अलहदा करने लगी हूँ। बस कपड़े मैंने बिल्कुल अलहदा अलहदा कर दिए हैं, तो चले आइए चलते हैं अपनी वॉशिंग मशीन की तरफ। तो व्यूअर्स, आ गए हैं हम अपनी वॉशिंग मशीन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर पानी भर लिया है। अब मैं इसमें सोप डालने लगी हूँ अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए, और साथ ही जितना मुझे सर्फ रिक्वायर्ड है उतना मैं इसके अंदर सर्फ। इट्स अप टू यू कि आपको कितना रिक्वायर्ड है सर्फ। मैंने डाल दिया है, ये मेरी बकेट है। अब मैं इसमें सारे अपने वाइट कपड़े जो फर्स्ट खान मैंने वॉश करना है वो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। मैं हैवी फंक्शन पर इसको वॉश ओनली पर लगाया है, वाटर लेवल मैंने लो रखा है और वॉश ओनली फंक्शन है। ये मैं 3 टाइम्स रिपीट करूँगी क्योंकि आई गैस कि जितना मैंने कपड़ों देखा है कि 3 टाइम्स जब आप इसको कपड़ों को वॉश करते हैं तो बहुत अच्छे से साफ होते हैं, ज़रा से भी गंदे नहीं रहते हैं। तो इसलिए मैं 3 टाइम्स वॉश करने के बाद इन कपड़ों को निकाल कर दूसरा घान डालूंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जाते जाते बताने लगी हूँ, कहने को बहुत छोटी सी बात है, जब आप कपड़े इसके अंदर डाला करें तो प्लीज़ डालने से पहले जो है पॉकेट्स वगैरह देख लिया करें कि कोई टूथपिक या हेयर पिन कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि कपड़ों को जो मशीन को भी डैमेज कर सके और कपड़ों को भी ख़राब। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले से ये चेकिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मिलते हैं इसको 3 टाइम वॉश करने के बाद। व्यूअर्स, फर्स्ट खान मेरा कंप्लीट हो चुका है 3 टाइम वॉश। अब मैं इन कपड़ों को निकालने लगी हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ये मैनुअली काम करना पड़ता है। सब कहते हैं अगर आपने जो है यही काम करना था तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्यों ली और आप सेमी ही ले लेते वगैरह वगैरह। देखिए, आजकल की जितनी महंगाई हो गई है उसके लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सफ़ेद घान धोया है, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है वो क्लीन है। इसमें हम ईज़िली इसको दूसरे कपड़े इसके अंदर और हम वॉश कर सकते हैं। व्यूअर्स, फर्स्ट घान मैंने बकेट में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर दूसरा घान डालने लगी हूँ जिसमें मेरे बेडशीट हैं, कवर्स हैं, पिलोज़ हैं। ये दूसरा घान मैंने इसमें डाला है। अच्छा, मुझे इस दफ़ा जो है सर्फ की ज़रूरत सच नहीं पड़ रही है दूसरे घान में, इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे से सर्फ और सोप जो है इसमें डला हुआ है। तो मैं इसको इसी तरह बंद कर रही हूँ। हैवी फंक्शन पे वाटर लेवल लो करके वॉश ओनली फंक्शन एंड देन स्टार्ट।
अब इसको भी मैं 3 times जो है वॉश ऑनली फंक्शन पे वॉश करूंगी, इसको भी बाहर निकालूंगी और तीसरा घान लास्ट घान जो हमारा होगा वो मैं इसके अंदर डालूंगी। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पहले 2 घान है वो किस तरीके से जो है वो रेंज और स्पिन आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, सेकंड घान भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कपड़े निकालने लगी हूँ। ये देखें व्यूअर्स, पानी जो है अभी ज़्यादा काले होने की तरफ आ रहा है लेकिन अभी इतना हुआ नहीं है, तो इसमें तीसरा घान भी हम इजिली वॉश कर सकते हैं। और ये हमारे 3rd and last घान की जो कि मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि आपके कपड़ों के मुताबिक ये पानी जो है वो कम हो गया है क्योंकि हमने इससे पहले 2 घान निकाले हैं, तो आप ऊपर से और पानी डाल सकते हैं और सर्फ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे चूंकि कपड़े इतने ज़्यादा नहीं हैं तो मेरे लिए ये पानी इनफ है, तो इसलिए मुझे इसके अंदर और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैंने सारे कलर्ड कपड़े डाले हैं और सारे ब्लैक कलर के कपड़े डाले हैं, तो इस पानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी कि जो कहना कि जी कपड़े साफ़ नहीं वॉश होंगे, कपड़े अच्छे से नहीं वॉश होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैवी फंक्शन पर वाटर लेवल लो रखकर लास्ट खाना है, तो हम इसी को इसके अंदर ही रेंस और स्पिन करेंगे। तो मिलते हैं इसके 3 times वॉश होने के बाद। व्यूअर्स, हमारा 3rd and last खान भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको रिंस और स्पिन पर लगाने लगी हूँ। अच्छा, जो तीसरा खान है हमारा वो हमारा वॉशिंग मशीन के अंदर ही है, हमें उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने वाटर लेवल जो है वो मीडियम रखना है इसलिए क्योंकि कपड़े बहुत अच्छे से वॉश हों, तो फिर ये हमने रिंस और स्पिन पर हमने वॉशिंग मशीन लगा दी है। टाइम हमारे पास 29 minutes शो हो रहा है। आप फिर से देखते देखते हैं, वाटर लेवल मीडियम साइज, रिंस 2 times ऑफ़ किया हुआ है, सोक टाइम ऑफ़ किया हुआ है, स्पिन टाइम हमने बढ़ा दिया और मैं ये करने लगी हूँ स्टार्ट। अब ये सारा पानी निकल जाएगा। तो व्यूअर्स, ये 3rd घान जो है इसका पानी रिंस हो रहा है, वॉशिंग मशीन पानी लेगी। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब वॉशिंग मशीन पानी ले रही होती है तो मैं ऊपर से इसे पॉज करके पाइप डालकर इसमें ख़ुद से पानी डाल देती हूँ ताकि वो टाइम कंज्यूमिंग जो ज़्यादा है वो कम हो जाए। इस तरीके से जो है वो बहुत अच्छे से रहता है और बहुत जल्दी कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो अब 2 times रिंस करने के बाद हम इसको निकालेंगे और जो हमारा 2nd and 1st खान है वो इसके अंदर डालेंगे और उसको वॉश करेंगे। तो व्यूअर्स, जो 3rd घान है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है स्पिन होकर। अब मैं इसे कपड़े को निकालने लगी हूँ। तो अब जो हमारा 1st घान था तो वो हम इसके अंदर डालने लगे हैं। तो व्यूअर्स, कपड़े डालने के बाद आपने थोड़ा सा बैलेंसिंग करना है, सेंटर को छोड़ के हर तरफ बैलेंस होना चाहिए ताकि अच्छे से कपड़े, ये देखें सेंटर मैंने छोड़कर अराउंड अबाउट कर दिए हैं कपड़े, पावर बटन ऑन करके मैं अब रेंज और स्पिन का फंक्शन कर रही हूँ। मैंने लो रखना है वाटर लेवल, रेंज 2 times 5 minutes ओके, देन स्टार्ट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात ये बतानी है कि आपने पहले से पानी इसके अंदर भरकर नहीं रखना है वॉशिंग मशीन के अंदर।
अगर आपने वॉशिंग मशीन के अंदर पहले से पानी भर कर रखा तो होगा ये, जब इस रिंस से पहले उसे स्पिन करना है, कपड़ों के अंदर जितना भी डिटर्जेंट वाला पानी है वो सारा उसने स्पिन करना है वॉशिंग मशीन में, उसके बाद उसने रिंस के लिए पानी लेना है, ये बात जरूर याद रखनी है। अगर आप पहले से इसका ड्रम भर के रखेंगे फिर कपड़े डालेंगे और रिंस और स्पिन पे लगाएंगे तो जो वॉशिंग मशीन है वो सारा पानी ड्रेन कर देगी। यही इसे जिस तरह से मैं ये वाला घान धो रही हूँ फर्स्ट घान, ठीक इसी तरीके से आप सेकंड वाला घान धोएंगे और फिर आप अपने कपड़ों को हैंग आउट करेंगे। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक सर्फ इस्तेमाल करते हुए अपने तीन घान जो है वो वॉश कर सकते हैं। और आप देख लें कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें सिर्फ कपड़े सर्फ वाले निकाल कर एक बकेट में रखने थे और उसके बाद हमने दोबारा डाल दिए और अब वो जो है रिंस और स्पिन होकर ईजिली वॉश हो जाएंगे। हमें कोई इतनी ज़्यादा मैनुअल वॉशिंग मशीन की तरह मेहनत नहीं करनी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू जो है ये भी हम फर्स्ट घान जो है वो रिंस और स्पिन कर रहे हैं, फिर हम सेकंड घान भी कर लेंगे, हमारे तीनों घान जो हैं वो इजीली जो है रिंस और स्पिन हो जाएंगे और हम उसे सिंपली जो है वो बाहर कपड़ों को हैंग आउट कर लेंगे। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आप चाहें तो अपने मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें बहुत अच्छे से बात समझ आए और वो इस महंगाई के दौर में जो है ये फ़ायदा उठा सकें कि किस तरीके से आप अपना सेव कर सकते हैं डिटर्जेंट इस महंगाई के दौर में और एक दफ़ा सर्फ को आप तीन दफ़ा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए आपके कपड़े कितने अच्छे से जो है वो वॉश हो सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन ने अपना स्पिन कर लिया है, अब वो रिंस के लिए पानी लेगी और वो वॉश हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।